पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आंचल। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। भोपाल में गीता फेस्ट 2015 का आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, संपूर्ण जीवन प्रबंधन का शास्त्र है गीता। फल की चिंता के बिना कर्म करने की दी सलाह। ब्रह्म कुमारी संस्थान का भी प्रतिनिधित्व। दिल्ली के कनॉट प्लेस में विश्व शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना कार्यक्रम। संस्था से जुड़े सैकड़ों लोगों ने ध्यान के जरिए की विश्व शांति की कामना। सिवनी में अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन। पूर्व शिक्षा मंत्री ढाल सिंह बिसेन ने किया उद्घाटन। डॉक्टर श्रीमंत साहू ने बताए डायबिटीज से बचने के उपाय। राजकोट के पुलिस मुख्यालय में महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने भी की सहभागिता। लार्जेस्ट जुम्बा डांस क्लास का इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा। हैदराबाद के आईजी समेत ट्रेनी आईपीएस ऑफिसरों ने किया शांतिवन का अवलोकन। कोलकाता में डी स्ट्रेस लाइफ विषय पर कार्यक्रम। वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल ने बताए तनाव से मुक्त रहने के उपाय। हजारों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। और राजस्थान के जालौर और बालोतरा में मीडिया सेमिनार का आयोजन। समाज में मीडिया की अहम भूमिका पर चर्चा। मीडिया को बताया समाज का दर्पण। अब खबरें विस्तार से। भोपाल के लाल परेड मैदान में त्रिदिवसीय गीता फेस्ट 2015 और आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। नर्मदेहर सेवा न्यास और ब्रह्मा कुमारी संस्थान समेत कई संस्थाओं द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद सत्यनारायण जटिया और आलोक संजय, नर्मदेहर सेवा न्यास प्रमुख प्रभु दयाल मिश्रा, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कुलपति पीयूष त्रिवेदी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में निदेशक डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान, भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश समेत कई विशिष्ट पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गीता संपूर्ण जीवन प्रबंधन का शास्त्र है। यदि इस मूल दर्शन को समझ ले तो समाज में अशोभनीय काम बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने फल की चिंता के बिना कर्म करने की भी बात कही। वहीं डॉक्टर हनीफ खान ने कहा कि गीता में जो बातें कही गई हैं, वही बात अलग अलग तरीके से कुरान में भी कही गई हैं। अतः मनुष्य को जीवन में सद्भावना के साथ निष्काम कर्मयोगी बनना चाहिए। इस अवसर पर बीके अवधेश ने कृष्ण के अलौकिक स्वरूप पर प्रकाश डाला और गीता में कही बातों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। गीता शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें जीवन जीने की कला, लाइफ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, वर्ड मैनेजमेंट, बेटर एजुकेशन, टेंशन फ्री मैनेजमेंट, सारी ट्रेनिंग कराने का साथ भरा हुआ है। दिल्ली में कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में विश्व शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्वी दिल्ली के प्रभारी बी के दादी कमलमणि, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी के ब्रजमोहन, हरिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बी के शुक्ला, ओआरसी की निदेशिका बी के आशा, शक्ति नगर सेवा केंद्र प्रभारी बी के चक्रधारी समेत हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बीके दादी कमलमणि ने सबको सम्मान देने तथा सबका सम्मान प्राप्त करने की बात कही। इसके साथ ही बीके ब्रजमोहन ने कहा कि परमात्मा जो पूरे विश्व का पिता है, वो योग बल से पूरे विश्व को स्वर्ग बनाने का दिव्य कार्य करा रहे हैं। बाबा कहते हैं, बापू जी के भी बापू जी में परमात्मा बिना हथियार उठाए केवल योग बल से, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह कि संगठन के बल से। मैं अपने बच्चों को नई सतयुगी सुखमय विश्व की राजधानी दिलवा रहा हूँ। बड़ों को रिगार्ड दियो, छोटों को प्यार दो, लेकिन बाबा कहते हैं चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको आत्मक दृष्टि से रिगार्ड दो और रिगार्ड दो।
कार्यक्रम में सामूहिक ध्यान साधना द्वारा पूरे विश्व में शांति की कामना की गई। इस कार्यक्रम में दिल्ली में संस्था से जुड़े सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी सेवा केंद्र द्वारा अलविदा डायबिटीज विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। पैराडाइज गार्डन में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन पूर्व शिक्षा मंत्री ढाल सिंह बिसेन, स्वामी श्री बलवंतानंद, योग सम्राट महेंद्र मिश्र, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिज्ञा राजपूत, मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बी के श्रीमत साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बी के ज्योति समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर श्रीमत साहू ने मधुमेह के कारणों पर प्रकाश डाला और उससे बचने के उपाय बताए। साथ ही खुशहाल जीवन के लिए मीठा बोलने और सबसे उत्तम व्यवहार रखने की सलाह दी। वहीं बीके ज्योति ने संसार को सुखमय बनाना ही संस्थान का लक्ष्य बताया। उसकी भावना चेंज हो जाए तो वो किसी को भी टच करता है तो दवाई से वो ज्यादा काम करता है, जिसको हम हीलिंग टच कहते हैं, स्पिरिचुअल टच कहते हैं। इस संस्थान का वैसे भी मुख्य उद्देश्य है सुखमय संसार की स्थापना और सुखमय संसार में। इस मौके पर माउंट आबू से मेमोरियल ट्रेनर बी के शक्तिराज और बी के चेतन समेत बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के अंत में सभी विशिष्ट अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। गुजरात के राजकोट पुलिस हेडक्वार्टर ग्राउंड में वी द वन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए लार्जेस्ट जुम्बा डांस क्लास का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजकोट की महापौर रक्षा बोलिया, पुलिस आयुक्त मोहन झा, राजकोट की निदेशिका बी के भारती समेत शहर के कई उद्योगपति भी शामिल हुए। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने भी सहभागिता की, जिसमें पंचशील सेवा केंद्र की वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बी के अंजू ने सभी उपस्थित महिलाओं को राजयोग कराया। इसके साथ ही निराकार परमात्मा शिव का संदेश भी दिया। इस अवसर पर लगभग 8,500 महिलाओं ने भाग लिया और डिफेंस डांस को इंडिया बुक में प्रथम और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दूसरा स्थान मिला। बेहतरीन प्रदर्शन के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्था को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के कई सेवा केंद्र से जुड़ी महिलाओं ने बड़े उमंग उत्साह के साथ डांस किया और नारी सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया। कोलकाता के रानीगंज में श्री श्री 1008 नवग्रह शांति शिव शक्ति महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सौरभ अली, जगतगुरु रामानंद आचार्य, स्वामी राम दिनेश आचार्य महाराज, आर्य संत वरुण महाराज, कोलकाता सबजोन की निदेशिका बी के कानन, वरिष्ठ आयोग शिक्षिका बी के अंजलि, बाकोड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बी के शेफाली समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। मंच पर उपस्थित सभी संतों और कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को बी के कानन ने निराकार परमात्मा शिव का यथार्थ परिचय दिया। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों की जानकारी दे नई सत्यों की दुनिया का संदेश दिया। कोलकाता राजरेड के वैदिक विलेज रिसोर्ट में सिंडिकेट बैंक के अधिकारियों के लिए तनाव प्रबंधन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बैंक के सभी अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर कोलकाता म्यूजियम की राज्यों की शिक्षिका बी के चंद्रा ने सभी को तनाव से मुक्त रहने के लिए राज्यों को आवश्यक बताया। इसके साथ ही नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया। कोलकाता के काला मंदिर में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा डी स्ट्रेस लाइफ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ मनोचिकित्सक बी के डॉक्टर गिरीश पटेल ने उपस्थित सैकड़ों लोगों को तनावों से मुक्त होने के लिए परिस्थितियों से भागने के बजाय लड़ने के लिए प्रेरित किया। तनावों से मुक्त होने के लिए राज्यों को जीवन में उतारने पर बल दिया।
मोटिवेशन और स्ट्रेस में फर्क है। जब आप मोटिवेटेड होते हो तो आपका उमंग उत्साह बढ़ता है, स्ट्रेस से तो उल्टा उमंग उत्साह कम हो जाता है। जब मोटिवेटेड होते हो, कुछ भी सोच रहे हो उसको आप रोक सकते हो। जब स्ट्रेस में होते हो तो विचार को रोकना चाहो तो भी रोक नहीं सकते। कार्यक्रम के अंत में सभी को राजयोग द्वारा ईश्वर अनुभूति कराई गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ब्रह्म कुमारी संस्था के आबू रोड स्थित शांतिवन में हैदराबाद नेशनल पुलिस एकेडमी के आईजी मनीष पांडे और ट्रेनी आईपीएस ने पूरे परिसर का दौरा किया। इस अवसर पर शांतिवन प्रबंधक बीके भोपाल, आबू रोड पुलिस थाना अधिकारी सीताराम खौजा, उदयपुर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी नरपत सिंह ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बीके प्रदीप ने सभी ट्रेनी आईपीएस को शांतिवन का विशाल डायमंड हॉल व अत्याधुनिक भंडारे सहित कई स्थानों का भ्रमण करवाया, जिसे देखकर सभी का मन आश्चर्य व प्रसन्नता से भर गया। साथ ही राज्यों की विधिवत जानकारी प्राप्त करने की इच्छा भी जाहिर की। राजस्थान के जालौर सेवा केंद्र पर स्वस्थ एवं सुखी समाज के निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का उद्घाटन APRO संतोष प्रजापति, उप सभापति मंजू सोलंकी, मीडिया प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजू ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर मंजू सोलंकी ने समाज के बदलाव में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। वहीं बीके शांतनु और बीके सुशांत ने कहा कि समाज को दिशा व दशा देने का काम मीडिया का है। अब मीडिया यदि आध्यात्मिकता को अपना ले तो स्वस्थ एवं सुखी समाज का निर्माण हो सकता है। राजस्थान के बालोतरा सेवा केंद्र पर भी मीडिया संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सामाजिक परिवर्तन में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपखंड अधिकारी उदय भानु चारण, वरिष्ठ पत्रकार लालचंद्र पुनित, IFSMN के प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल पवार, मीडिया प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु, राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत, जालौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजू समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान समाज में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि समाज में परिवर्तन में मीडिया की महती भूमिका है, इसलिए मीडिया कर्मियों को इस दायित्व का जिम्मेदारी से निर्वहन करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजू ने ईश्वरीय संदेश दिया और राज्यों की अनुभूति कराई। कर्नाटक गुलबर्गा के कैलाश नगर सेवा केंद्र के पूरे 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर भीम रेड्डी पाटिल, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉ. DM मन्नुर, समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके प्रेम, गुलबर्गा सब जोन प्रभारी बीके विजया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में डॉक्टर मन्नूर ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था अपनी सेवाओं और ईश्वरीय ज्ञान से लोगों को तनाव मुक्त और खुशहाल बनाने का कार्य जो कर रही है वे सराहनीय है। इसके लिए हमें संस्था के साथ मिलकर सहयोग करना चाहिए। महाराष्ट्र के जुन्नर सेवा केंद्र द्वारा शिव ज्योतिर्लिंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक शरद सोनावड़े, पूना मीरा सोसाइटी की बीके उषा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना समेत संस्था के कई सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के साथ विशाल शिवलिंग बनाया गया, जिसका हजारों लोगों ने अवलोकन किया। चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से आत्मा परमात्मा का दिव्य संदेश देने के साथ साथ राज्यों की भी जानकारी दी गई, जिसका सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया। केरला के आदोर में ITPP ऑफिसर्स और स्टाफ के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा स्वस्थ सुखी जीवन और राज्यों के विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आदोर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा ने सभी अधिकारियों को राज्यों का अभ्यास कराया और तनाव से मुक्त रहने के विभिन्न उपाय सुझाए। कार्यक्रम में सैकड़ों अधिकारियों ने राज्यों का अभ्यास कर शांति की अनुभूति की।
नोएडा सेक्टर 26 सेवा केंद्र द्वारा सेक्टर 62 के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारियों के लिए तनाव मुक्त जीवन और राजयोग विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व आर्मी ऑफिसर बीके सुषमा ने उपस्थित अधिकारियों को राजयोग द्वारा सकारात्मक चिंतन करने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने तनाव से मुक्त रहने के गुर सिखाए। ग्रेटर नोएडा के TNAI द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन में नर्सेज के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर नोएडा सेक्टर 26 सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती और बीके सुषमा ने उपस्थित नर्सेज को तनाव से मुक्त रहने के लिए राज्यों को जीवन में अपनाने की सलाह दी। साथ ही दूसरों के प्रति शुभ भावना रख और मन को सदा शांत और सकारात्मक चिंतनों से भरपूर करने के लिए भी प्रेरित किया। ग्वालियर के किड्स कॉर्नर स्कूल में मातृशक्ति विश्व हिंदू परिषद द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस दौरान इंद्रगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने कहा कि जब तक हम स्वयं को मैनेज नहीं करेंगे, तब तक हम परिवार, समाज और विश्व का कल्याण नहीं कर सकते, और स्वयं को मैनेज करना राज्यों द्वारा ही संभव है। व्यक्ति स्वयं को मैनेज करना भूल गया है। जब तक हम स्वयं को मैनेज नहीं करेंगे, जब तक हम स्वयं के मन को ईश्वरीय शक्तियों से संपर्क नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बच्चों और परिवार, पड़ोस, देश और विश्व का कल्याण कैसे कर सकते। बिहार के बेगूसराय सेवा केंद्र पर सकारात्मक जीवन शैली द्वारा तंदुरुस्ती विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कंचन ने कहा कि राज्यों द्वारा अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। साथ ही वर्तमान समय प्रमाण मानसिक तौर पर शक्तिशाली बनने के लिए सर्वशक्तिमान का सानिध्य अति आवश्यक है। कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य कर रही हूँ, तो आपके द्वारा जो भी कार्य होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा और आपको अपने कर्मों में सफलता मिलेगी। कार्यक्रम में योग आचार्य बीके भोला ने सभा में उपस्थित लोगों को म्यूजिकल एक्सरसाइज और राज्यों के जरिए तन के साथ मन की बीमारी दूर करने के उपाय बताए। जयपुर मुरलीपुरा के भवानी नगर सेवा केंद्र की तीसरी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर पार्षद सुशील शर्मा, अजमेर सब जोन प्रभारी बीके शांता, जयपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति मदनलाल शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में बाल कलाकारों ने सुंदर नृत्य द्वारा सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में गणमान्य लोगों ने सभी उपस्थित लोगों से कहा कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में परमात्मा का साथ ही मददगार साबित होता है और राज्यों के माध्यम से हम परमात्मा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। झारखंड के निरसा सेवा केंद्र पर गर्भ संस्कार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवंतिका ने गर्भवती महिलाओं को बताया कि गर्भ धारण के समय महिलाओं को खुशी के साथ भय व तनाव का अनुभव होता है, जिसके लिए राज्यों का अभ्यास करना आवश्यक है। साथ ही होने वाले बच्चे के श्रेष्ठ संस्कार बनाने के लिए महिलाओं को आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में उतारने की सलाह दी। गर्भ संस्कार एक प्रयास है हमारा इस प्रकृति के अद्भुत करिश्मे को जानने का, कि कैसे हमें इस 9 महीने की यात्रा को यादगार बनाना है, ताकि बच्चे के लिए वो एक गर्भ जेल न बन जाए, वो एक गर्भ महल बन जाए।
तमिलनाडु चेन्नई के सुंगुवर चात्रम में हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर पर 3 दिन तक ब्रह्मा कुमारीज की जोनल कार्यकारिणी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का तमिलनाडु के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, रिट्रीट सेंटर की वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके कलावती, मदुरई सब जोन प्रभारी बीके मीनाक्षी, थिरुवनामलई सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा समेत कई वरिष्ठ बहनों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान वर्ष की थीम राजयोग द्वारा हेल्दी और हैप्पी लाइफ के तहत पूरे वर्ष में सभी वर्गों के लिए कार्यक्रम का आयोजन करने पर विचार विमर्श किया गया। जोन की सभी बहनें सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुईं। ओडिशा झारसुगुड़ा के कोलाबिरा में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। मेले में लगाई इस प्रदर्शनी में सैकड़ों लोगों ने ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। इस अवसर पर कोलाबिरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति और झारसुगुड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अश्वनी ने सैकड़ों लोगों को राज्यों की जानकारी दी। गुजरात वडोदरा के वासना रोड सेवा केंद्र पर सच्ची सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना समेत कई बीके सदस्यों ने वर्तमान समय परमात्मा द्वारा सुनाए जा रहे नर से नारायण तथा नारी से लक्ष्मी बनने की सच्ची सत्यनारायण की कथा से अवगत कराया। जम्मू के अनुराधा मिशन स्कूल में अपराध मुक्त समाज के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके भगवान ने कहा कि नैतिक शिक्षा द्वारा ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। इसके साथ ही समाज में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मूल्यों को धारण करना आवश्यक बताया। पंजाब के सुनाम सेवा केंद्र द्वारा खडियाल और बिगरवाल गांव में नशा मुक्त शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा और राज्य शिक्षिका बीके दीप्ति ने गांव के सभी लोगों को नशे से मुक्त होने के विभिन्न उपाय सुझाए। वहीं गांव के कई बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों ने नशे को छोड़ने का संकल्प लिया। अब पीस न्यूज की सभी मुख्य खबरों को कभी भी कहीं भी हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन करें www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।